यहाँ पर मैंने चित्रा राजमा लिया हुआ है और उसे रात भर भिगो कर मैंने इसमें राजमा डूबने तक पानी डाल दिया है। अब थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालकर 4 से 5 विसल लगा लेंगे या जब तक कि राजमा गल नहीं जाते। यहाँ पर मैंने इतना तेल लिया है जिससे कि मैं 4 प्याज को ब्राउन कर सकूं। यहाँ पर मैंने खूब सारा लहसुन लिया है, उससे कम मैंने अदरक लिया है और 1 छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसका बहुत ही महीन पेस्ट बना लेते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं तो इन्हें हम निकाल कर ठंडा करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका भी हम पेस्ट बना लेते हैं। जिस तेल में हमने अनियन को फ्राई किया था उसी तेल में तेजपत्ता, थोड़ा सा जीरा, दालचीनी, स्टारफुल, लवंग और हरी इलायची को मैं इस तरह से खोलकर डाल रही हूँ। इसके जगह पे आप काली इलायची भी डाल सकते हो। इन्हें हमें धीमी आंच पर, इसका ऑयल निकल जाए तब तक, खुशबू आने लगे तब तक इन्हें हमें फ्राई करना है। जीरा और हमारे जो गरम मसाले हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं तो यहाँ पर मैंने खूब सारा अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था ना, और जीरे का उसे डाल देंगे। मसालों से लहसुन और अदरक की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है तो बहुत ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और जितना तीखा खाना हो उस हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्च का पाउडर मेरा ज़्यादा तीखा नहीं है, ये रंग भी देगा, तो इसलिए मैं 2 चम्मच भी डाल रही हूँ। मसालों से भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, अच्छी तरह से भून चुके हैं तो 4 कटे हुए और पीसे हुए टमाटर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे टमाटरों को और अच्छी तरह से पका लेंगे हम। यहाँ पर टमाटरों से तेल छूटने लगे हैं तो जो हमने प्याज को फ्राई करके पेस्ट बनाया था ना पानी के साथ, उसे मिला देते हैं। अनियन पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 1 छोटा चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। स्वाद को बढ़ाने के लिए हम काला नमक डालेंगे। टमाटर की खटास बहुत ही अच्छी है लेकिन थोड़ा सा हम अमचूर पाउडर डालेंगे तो खट्टा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं तो इसमें मैं 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप इसमें बटर भी डाल सकते हो, मेरी तेल की मात्रा राजमा में कम है। देसी घी से एक तो स्वाद बढ़ जाता है और दूसरा पचने में भी ये आसान हो जाता है। आराम से मिला लेते हैं। यहाँ पर मैंने राजमा को इतना पका लिया है कि मैं इसे अंगूठे से दबा रही हूँ तो ये इस तरह से मैश हो रहा है। पानी के साथ ही हम राजमा डाल देंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालेंगे हम। राजमा को अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करते हैं और राजमा को थोड़ा सा इस तरह से हम दबा देंगे जिससे हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से गाढ़ी और क्रीमी बन जाए। इसे हम 5 मिनट तक ढककर पका लेते हैं जब तक कि ऊपर अच्छी तरह से घी तेल नहीं छूट जाता। ढक्कन खोलते हैं और यहाँ पर देखिए तो राजमा की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला इस तरह से मैंने राजमा बनाया है। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।